हेलो चिल्ड्रेन इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नाइन्थ चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट हम लोग आज सिक्स क्लास के नाइन्थ चैप्टर इन इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो लेट्स सी द क्लास वॉट डज मीन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स You all are aware about the living organisms and the non-living things. Yes living organisms So the plants, animals, the creatures, the insects, everything comes in the category of living organisms. And I would like to ask you one question: During the summer vacations, all have made a fun trip with your family? yes? आप लोग वेकेशंस में आप लोग के फैमिली के साथ बहुत सारे ट्रिप में गए होंगे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे गए होंगे अलग अलग स्टेट्स पर गए होंगे आप लोग वहाँ पे क्या देखते हैं वट यू हैव सीन देर ऑफकोर्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस आर यू कैन सीन फ्रॉम योर करेंट प्लेस जहाँ आप लोग अभी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे चेंजेस आप लोग एक एक जगह पे जब घूमने जाते आप लोगों ने महसूस किए होंगे क्लाइमेट चेंज हो या वहाँ के प्लांट्स का हो वहाँ का एनिमल्स सो यू हैव सीन अ डिफरेंस अलॉट्स ऑफ डिफरेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इवन दो इफ यू आर गोइंग टू एब्रॉड ऑल्सो सो नाउ लेट्स कम टू क्लास So, in this class, we are going to learn what are all the observations that you have made during your trips. So, let's come to the textbook. In the textbook, the Paheli and Bujo went on a vacation. The Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. पहेली और भोजो वेकेशन में बहुत सारे जगह पे गए जो कार, उनके होते पसंद वाला जगह पे उन लोग गए हैं वन सच ट्रिप टू डैम टू द रिवर गेंका इन ऋषिकेश एक बार उन लोग कहाँ गए थे उन लोग रिवर गेंका रिवर गेंका इन ऋषिकेश एंड दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालया उन लोग कहाँ गए थे हिमालयन माउंटेन्स में गए थे एंड वॉट द स्पेशलिटी ऑफ द क्लाइमेट देयर वहाँ पे कैसे है क्लाइमेट मौसम इट इज वेरी कोल्ड वी नो दैट हिमालय इट इज वेरी कोल्ड एंड देर सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेंस लाइक ऑकट्रीज पाइंस एंड डिओडाज तो वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग टाइप की ट्रीज़ देखे जो उन लोगों के अभी के जगह पे अवेलेबल नहीं है सो so लोग कहाँ गए थे ट्रिप में दे वेंट टू ऋषिकेश एंड वहाँ पे उन लोग दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ हिमालया एंड द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड एंड दे सो डिफरेंट वराइटीज ऑफ ट्रीज इन एट अनदर ट्रिप

तो उन लोग कहाँ गए थे फिर अगले ट्रिप में उन लोग राजस्थान गए थे उसके बाद वहाँ पे उन लोग कैसे प्लान देखा उन लोग लोगों वहाँ पे उन लोग वहाँ पे कैक्टस प्लांट्स देखा और उन लोगों थोड़ा बहुत प्लांट्स उन लोग कलेक्ट भी किया जैसे हम भी ऐसे करते हैं ना कहीं पर भी जाते हैं थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग वो चीज़ वहाँ से निकाल उठाते हैं मतलब लेते हैं और हम हमारे घर तक लेकर जाते हैं ना तो वैसे दे कलेक्टेड द कैक्टस प्लान Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach. Ulo purigaya. Puri it is it is a very famous uh, beach in Odisha and we also known it as a golden beach. Okay, and they saw which type of tree they saw? They saw Kasharina tree there, waha trees while recollecting all the funds. तो उन लोग क्या कहाँ कहाँ गए थे उन लोग एक ट्रिप में उन लोग ऋषिकेश गए थे और दूसरी ट्रिप दे वेंट टू राजस्थान एंड द अनदर ट्रिप दे वेंट टू प्यूरी सो so, उन लोगों ने अलग अलग जगह पे विजिट किया और वहाँ पे आप लोगों को देखा था जहाँ पे राजस्थान गए थे वहाँ पे तो क्लाइमेट होट थे और जब उन लोग गए थे ऋषिकेश तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड थे ए जो प्यूरी बेच गया वहाँ पे तो ह्यूमिड होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उन लोगों ने अलग अलग टाइप का क्लाइमेट चेंजेस उन लोगों ने फेस किया एंड ऑल्सो दे हैव सीन लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज और द प्लांट्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन द नियर बाई एरिया जहाँ पर उन लोग रहते हैं वहाँ पर जो चीज़ नहीं दिखता है वैसे वाले ट्रीज भी उन लोग वहाँ पर देखा वाई कलेक्टिंग ऑल द दे हैड ऑन ट्रिप्स तो लोग जब ये पूरे ट्रिप के बारे में ऐसे सोच रहे थे अ स्ट्रक थॉट एक चीज उनके दिमाग में आ गए वॉट ऑल दिस प्लेस वेर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एन अदर उन लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया दे ऑब्जर्व दैट द ऑल दिज प्लेसिस वेर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एन अदर तो कैसे डिफरेंस उन लोगों ने महसूस किया था ड्यूर एज द क्लाइमेट समेर कोल्ड समेर हॉट एंड ड्राई एंड सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड एंड एट ऑल ऑफ देम हैड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड वहाँ पे उन लोग अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी उन लोगों ने देखा था दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स उन लोगों ने फिर क्या सोचने लग गए उन लोग ऐसे सोचने लगे क्या इस अर्थ में कोई ऐसे प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है इज देर एनी प्लेस वेर देर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बूजो थॉट ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम तो बूजो ने एक जगह ऐसे सोचा इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स उसने क्या सोचा मेरे घर में एक कपबोर्ड है अगर मैं उस कपबोर्ड में खोलेंगे तो उसके अंदर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहता सो so, वो लोग क्या सोच रहे थे इज देर एनी प्लेस ऑन अर्थ वे देर देर मे बी नो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सोच रहे थे क्या दुनिया में ऐसे कोई जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है दुनिया मीन्स इन अर्थ ओके एंड ही थॉट उनके कबोर्ड के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा एंड वेन ही पुल्ड आउट द कबोर्ड जब कबोर्ड खोला तो वॉट ही फाउंड ही फाउंड वन स्पाइडर इन द कबोर्ड उसने क्या देखा भूजो ने देखा एक छोटू सा एक स्पाइडर को देखा एंड आउटसाइड द होम टू स्पाइडर एंड द आउटसाइड द होम टू दैट इज नॉट सीन टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट दे दैट डिट नाट हैव लिविंग क्रीचर्स तो उनको ये भी समझ में आ गए बाहर भी घर के बाहर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं होता है जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना देखें दैट मीन्स एवरीवेयर यू विल गेट द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस तो पहेली ने क्या करने लगे पहेली ने ऐसे सोचने लग गए और बहुत सारे दूर दूर के जगह के बारे में सोचने लगे क्या यहाँ पे कोई क्या डिफरेंस होगा क्या वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा ऐसे करके सोचने लगे एंड शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस आप लोगों को पता है वोल्केनोस में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है already we have found that there are also a tiny living organisms are there in the opening of volcanos and look at the figure 9.1 you can see that lots of living creatures living organisms you can see here ओके नाउ लेट सी पॉइंट नंबर वन नाइन पॉइंट वन ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं उन लोगों का सराउंडिंग्स द वेर देव उन लोगों को सरवाइव करने के लिए वॉट आर ऑल द सराउंडिंग्स रिक्वाड वॉट आर ऑल द सराउंडिंग्स वॉट आर ऑल द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स सो दैट वी आर गोइंग टू लुक एट नाव आई न थाट दैट अकोर्ड टू पहेली एंड भूजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गैनिज्म दैट वेर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड फिर उन लोगों ने सोचने लग गए कि वहाँ पर जो जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में वो लोग गए थे तो वहाँ के वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गैनिज्म वॉट आर दिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेजम्स दैट दी हैव सीन उन लोग तो क्लाइमेट के बारे में तो पहले हमने बोल दिया था यहाँ पे है ना वहाँ पे बहुत कोल्ड था हॉट था सम प्लेसिस वेरी ह्यूमेड वो सब बोल दिया फिर उन लोगों ने क्या सोचने लग गए वहाँ के लिविंग ऑर्गैनिज्म के बारे में उन लोग सोचने लगे The desert had camel. Yes, we know that the desert had camel. Johamari nearby area mein nahi hota hai. And the mountains had goats and yak. Mountains, mein kya hai? goat and yak hai. And pure had some other creatures like crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fisherman at the sea. तो वहाँ पे उन लोग क्या ऑब्जर्व क्या प्योरी आइट सेट दैट इट इज़ अ बीच इन ओडिशा एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ गोल्डन बीच वहाँ पे बीच साइड में हम वैसे भी क्रैप्स वगैरह देखते हैं क्रैप्स मिलते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत वेराइटी वराइटी आल्सो अवेलेबल देर सो दिसज आर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स दैट दे हैव सीन इन दिस डिफरेंट लोकेशंस एंड देन that it seemed to be some creatures like ants that were present in all these different locations. That is the ant. So So the ants that were presented present in all these different locations. काइंस ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीस रीज वेर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लान ऑफ द अदर रीजन और इन लोग कहाँ पे प्लांट्स के बारे में कैसे बोल सकते हैं द काइंस ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिज रीजन जो ये एक, एक जो लोग अभी तीन जगह पे गए वहां के एक एक रीजन का प्लांट्स अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजियन अभी आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी नंबर वन है एक्टिविटी नंबर वन ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इट इज सेइंग दैट यू हैव टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स और वी कैन से द एनिमल्स दैट आर दैट यू आर सीन इन दिस पर्टिकुलर तो इन दिसबल दे आर आस्किंग यू टू लिस्ट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट इज फाउंड इन फॉरेस्ट एंड दैट इज़ फाउंड माउंटेन्स इन द डर्ट इन दी और एनी अदर प्लेसेस तो आप लोगों को एक टेबल बनाने के लिए बोला है जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू हैव टू लस्ट हियर दैट इज विच इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं लॉयन इज देर डियर एलिफेंट्स फॉक्स टाइगर लपड़ मंकीज ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में दिखते हैं एंड ऑन माउंटेन रीजन माउंटेन एरिया में इसी क्या क्या मिलते क्या क्या दिखते कैसे एनिमल्स कैसे वाले जानवर कैसे वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन सी देर दै यू कैन सी फन यार्स स्नो लपर्ड माउंटेन गॉड्स है शीप गोरिला एंड इन डसर्ट एरिया डसर्ट में कैसे कैसे एनिमल्स मिलते हैं कैमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली द एनिमल्स टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैमल इज देयर कैक्टस बबुल्स स्कॉर्पियट फॉक्स रैटल स्नैक Have. so all these things are available in the desert area and in the sea you know that a lots of things you know that uh, fish whales shark alligator dolphin crabs octopus so lots of things are you can get a living organisms in the sea and any other area that is the commonly we can see crow cuckoo crane cow hen dog pigeon so all these things are that you have to list in the activity number one so i think it is very simple and easy for you to observe and write within this activity table in this table so is that easy yes so let's move to the next. now we are going to talk about the very new and the interesting thing that is habitat and adaptation तो हम लोग हैबिटेट और अडेप्टशन के बारे में सीखने जा रहे हैं कुछ बड़ी बात नहीं है एवरी थिंग यू नो दैट ओनली द टर्म इज़ न्यू फॉर यू बट द थिंग इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल द थिंग्स यू हैव ऑब्सर्व इन योर डे टू डे लाइफ और इन योर अर्ली एक्सपीरियंस यू हैव ऑलरेडी ऑबसर्ड ऑल दिस थिंग थिंग्सार्ट नाइन पॉइंट टू हैबिटेट एंड अडेप्टशन

Living organisms that you have entered in the column, that is the animals, living organisms found in the desert and in the sea. When we talk about the desert, the first thing that you comes in our mind is of course about the camel. okay, So in the sea. So today we are going to concentrate on these things only. What are the surroundings like in these two regions? So yahaan two regions in one is in the desert and one is in the water. So what are all the specialities? What are all the changes or what are the behavior of the surroundings of these two regions? We are going to discuss in discuss here. In the sea, plants and animals are surrounded by saline water I means salty water you know that sea mein sea kya hota hai pani salty hota hai तो वहाँ के plants और animals उन लोग कैसे it is surrounded उन लोगों का surroundings कैसे होता है तो सी के प्लांट्स और एनिमल्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो भी हो वहाँ के सराउंडिंग्स कैसे होता है सराउंडड बाय सलाइन वाटर और सॉल्टी वाटर मोस्ट ऑफ दैम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर तो हमें पता है वाटर इज मेड अप ऑफ एच टू ओ दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देर एंड हमें ये पता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर

देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डर्ट वो तो हमें पता है डसर्ट में पानी बहुत कम मिलते हैं एंड इट इज़ वेरी होट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डर्ट आप लोग को पता है इच इज़ हाँ डे टाइम में बहुत होट होता है ओके मॉर्निंग टाइम इट इज़ वेरी होट एंड जब रात के टाइम होता है तो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है डसर्ट के बारे में बोल रहे हैं ठीक है एंड द एनिमल्स एंड द प्लान्ट ऑफ द डर्ट Live on the desert soil and breathe air from the surroundings. The animals and the plants of the desert of course live on the desert soil. Desert soil and the breathe air from the surroundings. They breathe from the surroundings. Here air kaha dissolve. It is dissolved in the water, but in the case of desert, it is air is breathed. That with animals or the living organisms breathe from the ंग्स तो इससे हमें क्या पता चलता है द सी एंड द डर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स यस नो सी और डर्ट का सराउंडिंग तो एकदम अलग अलग है ना कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है एंड यू फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिसजियंस और हमने ये जो सी में और ये जो डसर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हमने देखा है लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डर्ट एंड द सी तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से हम दो स्पेशल चीजों को निकालते हैं और हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले बात करते हैं डेसर्ट के बारे में सो so, जब डेसर्ट वॉट विल तो आप लोगों के में दिमाग में क्या आता है द कैमल एंड अबाउट द सी फिश यस तो हम लोग आज कैमल और फिश के बारे में देखेंगे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डर्ट कंडीशन लोग क्या बोल रहे हैं तो जो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है द फिजिक ऑफ दैट कैमल हेल्प ए टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन जो डेजर्ट में जो बोला है ना बहुत गर्म होता है पानी कम मिलता है तो so ये सब सिचुएशन में रहने के लिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बने हैं तो देखते हैं कैसे बने हैं ओके नाउ आई विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चन अगर आप लोगों को एक कैमल को ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे आस्किंग यू टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए कैमल आप लोगों को बोल रहे हैं कैमल का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे ऑफ़ कोर्स हाउ हाउ यू थिंक दैट तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग में दिमाग में पहले आप लोग क्या करेंगे कैमल को ड्रॉ करेंगे तो एक हम बनाएंगे तेरे से हम ऑफकोर्स उसके पेट में एक हम बनाते हैं देन वी विल ड्रॉ अ वेरी लॉन्ग लेग्स है ना हम दोनों पैर बहुत लंबे लंबे पैर बनाते हैं एंड इट इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग नेक तो हम लोग ये भी ड्रॉ करते हैं। देखो पिक्चर में आप देख सकते हैं ना आप लोग कैमल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना तो चलते हैं इसके पेट में ये हम क्यों हैं इसके टांगे इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सरवाइव इन द सर्ट हमने बोल दिया देन वॉट वी सेट द कैमल लेग्स कैमल हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाई इट इज़ यूज फॉर वो किसके लिए यूज़ करते हैं कैमल का वो लेग कैमल को कैसे हेल्प करते हैं कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं हाँ चलने के लिए तो यूज़ करते हैं लेकिन वो लॉन्ग लेग क्यों मतलब लेग काफ़ी था तो लेकिन इतना लंबा लंबा लेग्स क्यों चाहिए थे विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैन उनके जो बॉडी होते हैं वो जो सैंड हमें पता है बहुत धूप होता है वेरी हॉट सैंड इज़ देयर अ डसर्ट जो मॉर्निंग के टाइम में जब कैमल चलते हैं तो वो सैंड से क्या होता है गरम गरम हवा उनके बॉडी में लगते हैं ना जब देखो आप लोग गर्म पानी गरम करते हैं तो स्टीम ज़्यादा होता है अगर हाथ थोड़ा पास पास लेकर जाएगा जितना जितना पास पास लेगा उतना आप लोगों को जलता है ना सो फॉर दैट द कैमल इज़ हैविंग अ लॉन्ग लेग विच हैज म टू कीप दैट बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड सैंड के गर्मी से उनके बॉडी को बचाने के लिए ही कैमल को इतना लंबे लंबे लेग्स होते हैं एंड दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन और उनका जो यूरिन होता है वो लोग बहुत छोड़ कम यूरिन छोड़ते हैं ज़्यादा नहीं होता है द एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड दे ड इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट ये आप लोगों को पता था मतलब उसका यूरिन बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ही यूरिन पास होता है एंड द डंग इज़ वेरी ड्राई डंग जो होता है डंग आप लोग को पता है द वेस्ट द स्टूल ऑफ द कैमल एंड इट इज़ वेरी ड्राई वो बहुत ड्राई भी होते हैं एंड दे डो नॉट स्वेट उन लोग को पसीना नहीं होता है सो so, कैमल का बॉडी का खासियत आप लोगों को पता है चलो वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल बॉडी ऑफ द कैमल ओके एंड सिंस कैमल लूज अ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी उनके बॉडी में से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वॉटर बाहर जाता है एक तो स्वेट नहीं होता है और जो यूरिन पास करता है तो वो भी बहुत कम अमाउंट में पास करते हैं दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर तो उनके बॉडी में से उतना डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है मतलब पानी उतना बाहर नहीं निकल रहा है तो दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर पानी के बिना भी हम लोग बहुत दिन तक रह सकते हैं आप लोगों को पता होगा जब ठंड के मौसम है तो हम लोग थोड़ा कम पानी पीते हैं लेकिन गर्मी के मौसम में होते तो वी ड्रिंग अलॉट्स ऑफ वाटर इज इन डेट क्योंकि पसीना जब ज़्यादा छूटता है तो डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से हम लोग पानी पीते हैं लेकिन कैमल की इधर कंडीशन का है दे डू नॉट दे डू नॉट स्वेट एंड दे एक्सक्रीट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन तो इसीलिए दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर नाउ इट्स क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल नाव लेट लुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश के बारे में बात करेंगे हमने तो अभी डसर्ट के बारे में बात कर रहे थे अभी हमने बोला सी और डेसर्ट को हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे डसर्ट के बारे में हमने बात कर दिया एनिमल के बारे में बोला है नाव लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश फिश के बारे में सम ऑफ दिस आर शॉन इन द फिगर नाइन पॉइंट थ्री में दिखाए एक क्वॉरियम दिखाए तो आप लोग को वहाँ पर बहुत सारे वराइटीज ऑफ कलेक्शंस ऑफ फिश आप लोग को वहाँ पर नजर आएंगे एंड देर आर सम मैनी कांड ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समिंग कॉमन अबाउट देर शेप तो उनके शेप के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रीम लाइन शेप हमने बोला था तो उन लोगों को स्ट्रीम लाइन शेप क्यों होता है फिश को फिश का वो शेप को हम स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं क्यों उनको स्ट्रीम लाइन शेप होता है ऑल दॉन हर है स्ट्रीम लाइन शेप तो फिश का शेप को हम क्या बोलते हैं स्ट्री लाइम्ड शेप बोलते हैं जो हमने चैप्टर नंबर एट में ऑलरेडी पढ़ चुका है जो लोगों का मूवमेंट के लिए और उनको ग्रिप मिलने के लिए ये स्ट्रक्चर उनको हेल्प करते हैं द शेप हेल्प दम टू मूव इन साइड वाटर पानी के अंदर मूव करने के लिए इनका जो शेप उनको हेल्प करते हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुका है फिश हैज स्लिपरी स्केल्स ऑन द बॉडी उनके बॉडी में बहुत स्लिपरी स्लिपरी स्केल्स होते हैं हमें पता है जब हम फिश को पकड़ पकड़ के किसी ने देखा है तो आप लोग को पता है बहुत स्लिपरी होता है दी स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमैन थ्रू द वॉटर तो ये स्केल कैसे करते हैं वॉट इज द यूज ऑफ द स्केल स्केल वॉट इज द यूज ऑफ द स्लिपरी स्केल ऑन द बॉडी ऑफ द फिश तो वो फिश को कैसे हेल्प करते हैं दिस वॉन्ट प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वॉटर वाटर में उनका जो इजी स्विमिंग के लिए भी यूज करते हैं एंड दैट फिश है एंड टेल्स दैट हेल्प दम टू चेंज द ड कीप दर बॉडी बैलेंस इन वाटर तो वो भी हमने पिछले क्लास में चैप्टर में पढ़ा था दैट मीन्स द फिश हैव फ्लैट फिन्स उनका जो फ्लैट फिंस होता है एंड द टेल्स वो उन लोगों को मोवमेंट के लिए फिन हेल्प करता है एंड द टेल्स हेल्प टू द डायरेक्शन के लिए हेल्प करते हैं एंड गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वॉटर जो हमारे जो लंग्स होता है जो हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के लिए जो हमारे लंग्स यूज करते हैं फिश को क्या है दे आर हैविंग द गिल्स उनको गिल्स बोलते हैं एक फ्लावर जैसे दिखता है फिश में सो इट इज़ कॉल्ड द गिल्स एंड वट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द गिल्स देखो हमारे लंग्स कैसे क्या स्पेशलिटी है दैट मीन्स हम जब नॉस्ट्रोल से जब हम ब्रीथ करेंगे तो एटमोसफियर में बहुत सारी uh, क्या है गैसेज फील्ड है लॉर्ड्स ऑफ गैसेसर देयर इन द एटमोस्फियर लेकिन उसमें से हम ऑक्सीजन को फिल्टर कर करके ले रहे हैं ना दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर बॉडी

क्या है तो वाटर तो वाटर में ऑक्सीजन है लेकिन वो उस ऑक्सीजन को फिश कैसे लेते हैं द गिल्स ऑफ द फिश प्रेजेंट हेल्प्स दम टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वॉटर ओके लेकिन हमारे हम भी ऑक्सीजन लेते हैं क्या हमारे लंग्स को या हमारे नौसरों को ऐसी कोई कैपेसिटी है जो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए नो आवर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड देर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट द ब्रीथिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट नाउ इज क्लियर We have taken only two examples from a wide variety of animals and plants that live on the earth. Plants or animals may different different types of animals and plants and lots of living organisms are there. Like in hum we talked about only about the camel and the fish. only two types, only two animals we pinned out, isn't it? are living creatures are there in the, on the earth. in all this variety of organisms we will find that they has certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found so, क्या हमने यहाँ पे देखा हम ये जो दो एनिमल्स के बारे में एग्जाम्पल बोलते टाइम हमने क्या देखा था वहाँ पे हमने ये देखा जो एनिमल्स जो कैमल के बारे में बोलेगा तो कैमिकल कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे था इनको लॉन्ग लेग्स आ आदे द कैमल इज हैविंग अ लॉन्ग लेग्स एंड इट लूज ओनली अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी सो दैट्स वही ही इज एबल दैट कैमल इज एबल टू सर्वाइव इन द डर्ट इज एंड वो कैमल का क्वालिटी है वो कैमल का क्वालिटी जैसे है क्या हमारा बॉडी का क्वालिटी नहीं वैसे अगर हम फिश के बारे में बोला हमने बोला फिश ऑक्सीजन कहाँ से लेता है द ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन द वॉटर पानी के पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो ऑक्सीजन को उनके गिल्स हेल्प करते हैं लेने के लिए और उनको मोमेंट के लिए इट इज़ हैविंग अ स्ट्रीम शेप तो हर अलग अलग स्ट्रक्चर साइज एंडेड कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है रहने उनका जो बॉडी का रिएक्शंस अलग होता है एंड द फिश द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द फिश एंड द मूवमेंट एंड द रिएक्शंस एंड द ऑर्गैन्स आर डिफरेंट तो आप लोगों ने वो देखा क्योंकि उन लोगों को डिफरेंट कैसे हो रहा है दैट मीन्स कैमल को डसर्ट में रहने के लिए उसका जो रहने का सराउंडिंग्स द सराउंडिंग्स वेर दे लिव द कैमल लिव इन दरा डट तो उसके डसर्ट के अकॉर्डिंग डसर्ट के अकॉर्डिंग, इट्स बॉडी इज शेप्ड और स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना है एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द फिश इट इज हैविंग द गिल्स एंड इट्स इट्स हैविंग द स्ट्रीम लाइम शेप्स इट इज हैविंग फिन इट इज हैविंग टेल्स तो वो पानी में वो रह रहा है तो इट इट्स बॉडी स्ट्रक्चर इज इज सुटेबल फॉर दैट सराउंडके स वही In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings. Kya bola hai? दैट मीन्स दे आर हैविंग अ सर्टन फीचर्स उनके बॉडी का सर्टन फीचर्स है दैट हेल्प दम लिव इन द सराउंडिंग्स उस सराउंडिंग्स मतलब डसर्ट है तो डसर्ट उसका सराउंडिंगस है वॉटर है तो वॉटर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट या कोल्ड एरिया है तो वहां पर सो so, उनके जो सराउंडिंग जहाँ पे उन लोग रह रहा है उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग दे आर हैविंग सर्टन फीचर्स ओके And the presence of specific features of certain habits. What saying? The presence of specific features. That means ye jo specific features hai na? Or we can say it as a certain habits. Unka certain habits. Which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. So what does mean by adaptation? so we can say that the presence of specific features specific features uske body mein jo jo features hai specific features humne dekha hai और certain habits उनका थोड़ा habits होते हैं जो फिश को पानी में रहना चाहिए पानी में रह पाएंगे so ऐसे वाले certain habits which enable an organism to live नेचुरली इन अ प्लेस वहाँ पर रहने के लिए जो उनके बॉडी का जो स्पेसिफिक फीचर्स होता है ना जो चेंजेस उनके बॉडी में जो डिफ्रेंस हम देखते हैं जो उस एरिया पे उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए रहने के लिए एडजस्ट होने के लिए सो दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टशन दैट इज़ कॉल्ड adaptation. For example, more clear I will ask you. Suppose if you planning to go for a trip to Kashmir. अगर आप लोग कश्मीर जाने के plan कर रहे हैं तो आप लोग जब luggage pack करते होते हैं ना when you pack a luggage for that trip, पहला चीज़ जो आप लोगों के बैग में आप लोग रखते हैं वो क्या होता है मतलब जो आप लोग अवॉइड नहीं जल्दी जब जब कश्मीर जा रहे हैं ऐसे हम लोग सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है यार क्या खरीदना चाहिए ना तो क्या बैग में रखना चाहिए येस यू आर राइट हम ब्लैकेट्स रखेंगे नहीं तो हम स्वेटर्स रखेंगे, ना, blankets रखेंगे blankets sweaters है ना ब्लैंकेट्स वगैरह रखेंगे वी टेक द ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स बिकॉज हमें पता है कश्मीर जाएंगे तो बहुत ठंड रहता है और हम लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं तो हमें उस क्लाइमेट में रहने के लिए इफ़ आई वांट टू दैट क्लाइमेट उस क्लाइमेट में हमें रहने के लिए जल्दी जो वहाँ के एनिमल्स की तरह मेरे बॉडी में वो जो फर वगैरह तो नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ब्लैंकेट्स लेंगे और वहाँ के क्लाइमेट को हमारे बॉडी पे पैचअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग ब्लैंकेट्स पहनेंगे है ना तो हम नेचुरली नहीं फॉर फॉर अ लॉन्ग फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड ऑफ टाइम मतलब छोटे टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए वहां तक जाने के लिए वहां पे थोड़े दिन कितने दिन के प्लान अगर हमें वहां पे स्टे करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम ब्लैंकेट्स यूज करते हैं तो वो हम नेचुरली नहीं हुआ है एक आर्टिफिशियल हम थोड़ी देर के लिए हमने बस एक ब्लैंकेट डाल रहा है ओके सो so, लेकिन इधर हम लोग बोल रहे हैं जो वहाँ पे नॉट ओनली द कश्मीर आई एम टॉकिंग अबाउट डसर्ट में जाते टाइम देखो डेसर्ट के बारे में भी बात करते हैं अगर इतना खड़ी धूप में ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम जब वो बारह बजे के टाइम पे अगर बहुत सारे स्वेटर्स दो दो दो, दो तीन ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग पहन के इस समर ने अस टू स्टैंड इन द ग्राउंड अंडर दैट इन ग्राउंड तो क्या होगा हम लोग फेंड हो जाएंगे ना चक्कर आके गिर जाएंगे क्या होगा पूरा पसीना पसीना होके बॉडी से पूरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा पानी पूरा निकल जाएंगे और हम लोग चक्कर आके गिर जाएंगे लेकिन कैमल है तो क्या होता है कैमल के बॉडी में से स्वेट नहीं निकलता है पसीना नहीं होता है और उनके जो यूरिन होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही निकालते हैं क्या कैमल कभी भी फेंड होता है नहीं एंड इट इज़ हैविंग द हम्स वेयर इट इज स्टोरिंग द फैट फैट स्टोर करते हैं आप लोग ये सोचते हो कि वहाँ पर पानी स्टोर करते हैं नहीं द हम्स ऑफ द कैमल स्टोर द फैट फैट मतलब आप लोग को पता है द कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी फैट वहां पर होता है ठीक है वो हम लोगों ने नहीं बोला था तब ओके सो द नेचुरल दैट मीनस देयर फिजिकल फीचर दैट इज देयर स्पेसिफिक फीचर्स है ना वही है ना कैमल का स्पेसिफिक फीचर तो क्या होता है विच इज़ लिव नेचुरली इन द प्लेस मतलब उनका बॉडी वो टेम्प्ररी नहीं है उन लोग ऐसे टेम्प्ररी थोड़ा हम लेकर घूम रहा है ऐसे नहीं है वो नेचुरली उस एनिमल का बॉडी में चेंजेस है जो डसर्ट जैसे क्लाइमेट पे उसको सर्वाइव करने के लिए सो so वो फीस वो स्पेसिफिक फीचर्स वो जो बॉडी का वो सर्टन हैबिट्स उसे हम बोलते हैं अडेप्टशन इज दैट क्लियर वॉट इज मीन बाय एडेप्टन adaptation of organism differ depending on their place of dwelling मतलब उन लोगों का जो रहने का जो area पे जहाँ उन लोगों को survive करना है उसके according हर एक animal का adaptation different होता है ना जो camel जैसे रहता है वैसे camel को जाकर पानी में नहीं रह सकते so likewise we can what we can say that about the adaptation adaptation of organism differ depending on their place of dwelling that is why a fish cannot live out of the water and the camel cannot live in sea है ना तो इसीलिए उन लोगों का बॉडी का एडाप्टेशन ऐसे है जो लोग का अपने सराउंडिंग्स में रह पाएंगे है ना okay so now it's clear what is मेरे एडाप्टेशन एडाप्टेशन क्या है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा okay Now I am going to talk about the very another important topic that is about the habitat. Let's start. The place where organisms live is called habitat. What is in the habitat? The area jaham pe this organisms rehera hai. Use habitat. अगर मैं बोलूंगी कैमल का हैबिटेट क्या है करके मैं पूछूंगी तो आप लोग क्या जवाब देंगे वॉट यू विल गिव इफ आई एम आस्किंग इज द हैबिटेट ऑफ कैमल यस इट इज कैमल का हैबिटेट क्या है द प्लेस वेर दे लिव उन लोग कहाँ रहते हैं कैमल इट इज डसर्ट अगर फिश का हैबिटेट पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे आस्किंग वॉट इज द हैबिटेट ऑफ द फिश देन यू विल से इट इज वॉटर पानी किसका हैबिटेट है द प्लेस वेर इट लिव फिश फिश कहाँ पे रहता है दैट इज 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 इन सो नाउ क्लियर मीन मीन हैबिटेट हैबिटेट एंड मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों हैबिटेट द प्लेस वेर दिविंग लिव कहाँ पे द प्लेस जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसे हम लोग हैबिटेट बोलते हैं एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो घर होता है जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग्स को हम हैबिटेट बोलते हैं और अडाप्टेशन क्या होता है सराउंडिंग्स में उन लोगों को रहने के लिए उनके बॉडी में जो जो चेंजेस होता है जो नेचुरली जो चेंजेस होता है उसे हम बोलते हैं एडप्टेशन नाउ इट्स क्लियर एंड वी कैन से दैट हैबिटेट मीन्स इट्स होम ओके द हैबिटेट प्रोवाइड्स तो हैबिटेट उसके घर पे क्या क्या मिलता है द सराउंडिंग्स में हमें क्या क्या दिखता है फूड वॉटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है मतलब क्या होता है वहाँ पे फूड होता है खाने का वो उसका एक हैबिटेट होता है वाटर इज एंड अन अदर हैबिटेट एयर इज एन अन अदर हैबिटेट शेल्टर इज एन एन अदर हैबिटेट एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म सेवन एल काइंड ऑफ प्लान्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट हैबिटेट कुछ एनिमल्स और प्लान्ट सेम हो सकता है ना यस yes, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहीं पर काउ भी रहते हैं गोट इज़ ऑल्सो देर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द केरला काउ इज देयर गोट इज़ देर कोकोनट ट्रीज़ आर देर लेकिन कुछ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं ना हमारे सब रहने का वो क्लाइमेट और एरिया वो सब सेम है isn't it so we can say that several kinds of plants and animals live in the same habitat same habitat me so now it's clear the plants and the animals that live on land are said to live in टेरेस्ट्रियल हैबिटैट ये एक वर्ड है इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है नथिंग टू फीअर इट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटैट टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑल द लैंड

Yes, you're right. Forest hota hai, forest is there, grasslands are there, desert is also a terrestrial habitat, coastal areas hmm, and mountain region, isn't it? So we can say that these are all the examples or these are all also known as the terrestrial habitat habitat means nothing the home where they, the living organisms live the forest is a home grassland is an area where we can see it is another home desert coastal areas and the mountain regions so these are all the examples of terrestrial habitat on the other hand animals that live इन वॉटर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट तो एक ने हमने एक हमने बोला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड देना दन इज एक्वाटिक हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स ऑल द लैंड लिविंग थिंग ऑल द लैंड हैबिटेट दैट मीन्स हमने बोला माउंटेन फॉरेस्ट लैंड एरिया कोस्टल एरिया माउंटेन रीजन ऑल दीज आदर लैंड हैबिटेट एंड द प्ल एंड द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर अकॉल्ड एक्वाटिक हैबिटैट्स तो एक्वाटिकबिटेट में क्या होता है पानी वाला हैबिटैट द सोर्सेस ऑफ वाटर वी नो दैट लेक्स रिवर्स ओशंस पॉन्ड ऑल दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट तो हमने क्या पढ़ा आज हमने एक्वाटिक हैबिटैट के बारे में पढ़ा एंड द टस्ट्रियल हैबिटैट And there are large variations among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastals and mountain regions located in different part of the world. world grassland areas some other desert area, some other coastal area, the beach side, and the mountain regions are all there. लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये सब जुड़ जुड़ के नहीं है बहुत हमारे वर्ल्ड में हर बहुत सारे जगह पे ऐसे चीजें लोकेटेड हैं एंड ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट उसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को पूछना चाहती हैं वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग डू यू हियर अबाउट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप लोगों ने वो, वो वर्ड यूज़ किया होगा आपने सुना होगा द बायो बायो मीन्स वर्ड बायो मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं सो दैट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच इज कॉल्ड अस बायोलॉजी आप लोगों ने बायोलॉजी सुना होगा एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा वट इज बायोलॉज इट इज अ ब्रांच ऑफ दुच स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्मोटिक मतलब क्या होगा जस्ट अपोजिट ऑफ दैट तो यहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा है ना बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कम्पोनेट्स तो मैं आप लोगों को एक बात पूछू नॉन लिविंग थिंग्स मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या होता है इफ आई एम टेलिंग यू टू कलेक्ट द और मेक ए लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में ऑफ कोर्स आप लोग लिखेंगे प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑल यू विल राइट इंसेक्ट्स ओके ऐसे है तो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आप लोग क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे एक बार सोचो ऑफ कोर्स यू विल राइट लाइक पेंड अ लाइक दैट यस दैट कोर्स यू विल राइट लेकिन नाउ यू आर इन सिक्स स्टैंडर्ड तो आप लोग क्या सोचना चाहिए so you have to think about i will ask you is that non living things are living things you have to tell if i say oxygen what is oxygen is it a living thing or a non living thing yes it is a non living thing and if i'm talking about the sunlight it is a non living thing if i'm talking about the heat it is a non-living thing if i'm talking about the temperature of my body or the temperature it is a non-living thing if i'm talking about the sand soil rocks so all these are all the category all the all these things are the non-living things and we can say it as an abiotic components सो हम वट वी हैव सीन नाउ द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट और कॉल्ड इट्स बायोटिक कम्पोनेस होते हैं उनके जो बायोटिक प्लाट्स और एनिमल्स वो सब बायोटिक कम्पोन में होता है एंड द नॉन लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सचस रॉक्स

वहाँ पे प्लांट्स होते हैं जिसमें हम डिपेंड करते हैं एंड देर इज एन एनिमल्स आर देयर एंड वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्लांट्स भी रह रहे एनिमल्स आल्सो लिविंग वी आर ब्रीथिंग हम ब्रीथ करते हैं सो लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो देयर इन अवर हैबिटेट है ना तो इसीलिए द लिविंग थिंग्स सच एज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिज इन दैट हैबिटेट हमारे जो हैबिटेट में जो हम लोग रह रहे हैं सो वी विल कॉल इट अस ए बायोटिक कम्पोनेंट्स तो वी आर ऑल द बायोटिक कम्पोनेंट्स एंड जैसे कि बहुत सारे सैंस है हमारे यहाँ पे सॉइल अलग टाइप का है लेकिन सॉइल है रॉक्स है छोटे छोटे रॉक्स है वॉटर है और एयर है ऑक्सीजन तो हम लोग ले रहे हैं सो ऑल दिस थिंग्स ये भी तो हमारे ऑक्सीजन लेना है सो इट दिस इज ऑल्सो एन हैबिटेट दैट इज कॉल्ड द अ बायोटिक कम्पोनेंस ऑफ दिस हैबिटेट हमारे हैबिटेट का अ बायोटिक कंपोनेंस है Okay, and we know that sunlight and heat are the examples, or we can say that it is a, a biotic component. So, is that clear for you? We will continue the remaining topic in an another session. Thank you, children.